करता हूँ कुली का और नाम है। अरे हम दुनिया का बोझ उठाते हैं जाना, लेकिन हमारी तकलीफों का बोझ उठाने वाला है कोई? दोस्तों, कुली जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है लाल कपड़े, हाथ में बिल्ला और सिर पर सूटकेस, जो ट्रेन आते ही सामान लेकर दौड़ लगा देता है, राइट? अरे हम राहुल गांधी के कुली अवतार की बात नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ जिस कुली की बात हो रही है वो कुछ अलग है। जब वो आगे आगे सामान लेकर चलता है तो उसके पीछे पीछे चलते हैं दो सिपाही, वो भी हाथ में बंदूक लेकर। सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, हमें भी लगा था, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये कुली है कौन और दो अधिकारी दिन रात इसके आगे पीछे क्यों घूमते हैं? मामला बड़ा दिलचस्प है। अब इसे समझने के लिए हमें पटना की ट्रेन पकड़नी होगी। तो चलिए देखिए, तारीख थी 27 अक्टूबर और साल था 2013 का। सुबह के करीब 9 बज रहे थे और मैं अभी ट्रेन की सीट पर चादर ताने सो रहा था मस्त। अब कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकती है, तभी एक आवाज से मेरी आंखें खुल जाती हैं। वो आवाज थी एक 15 से 16 साल के लड़के की, जो ट्रेन में चाय बेच रहा था। एक चाय की प्याली मैंने भी उससे ले ली, जिसकी चुस्की से मेरी नींद जो है टूट गई। तभी मेरी नजर खिड़की के बाहर लगे एक बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पटना जंक्शन। पटना में कई हिस्टोरिकल साइट्स हैं दोस्तों, जिनके बारे में मैंने तो सुना कई बार था लेकिन देखा कभी नहीं। पटना जंक्शन का बोर्ड देखकर मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस खूबसूरती का आनंद लिया जाए। हालांकि मुझे अगले स्टेशन पर ही उतरना था, लेकिन बोर्ड देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने अपना सामान उठाया और ट्रेन से उतर गया। जब मैं पटना जंक्शन पर उतरा, सुबह के करीब 9:15 बज चुके थे। हल्की फुल्की ठंड थी और बादलों को चीरती हुई थोड़ी सी धूप। उस दिन भी सब बिल्कुल आम दिनों जैसा ही था। स्टेशन पर चहल कदमी थी, कुछ लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे तो कुछ अपने प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रहे थे, काफी भीड़ थी। इन सब के बीच एक शख्स और था जिस पर अभी तक मेरी नजर नहीं पड़ी थी। वो था कुली नंबर 1, यानी हमारा आज का ही, जिसे लोग धर्मा के नाम से जानते हैं। वो उस समय कुली रेस्ट हाउस में आराम फरमा रहा था। धर्मा पटना से 40 किलोमीटर दूर भोजपुर जिले का रहने वाला है। वह 34 सालों से, यानी साल 1979 से पटना जंक्शन पर कुली का काम कर रहा है। धर्मा दिन भर लोगों का सामान ढोता है और इस कमर तोड़ मेहनत के बाद वह शाम तक करीब 500 रुपए ही कमा पाता है। इतने में उसका घर बार मुश्किल से चलता है, लेकिन ये कोई आम कुली नहीं है। हाथ में बिल्ला और लाल कपड़े पहने धर्मा जब सिर पर यात्रियों का सामान लेकर चलता है तो उसके आगे पीछे दो बॉडीगार्ड्स भी चलते हैं, दो खाकीदारी और बीच में धर्मा, किसी वीआईपी से कम नहीं लगता। ये सब देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि रोज 500 रुपए कमाने वाला ठीक से अपना घर परिवार तो चला नहीं पाता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराने में उसे परेशानी होती है, यहाँ तक कि उसके पास एक ऐसी छत तक नहीं होती कि जहाँ वो रात में चैन की नींद से सो सके, तो ये आदमी दो दो बॉडीगार्ड कैसे मेंटेन करता होगा? खैर, वापस से लौटते हैं कहानी पर। जब धर्मा कुली रेस्ट हाउस में आराम कर रहा था, भले ही उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल आम दिनों जैसा, लेकिन इस दिन को हम इतनी आम भी नहीं कह सकते। इसकी दो वजहें हैं। पहली, उस दिन पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की रैली थी, जिसे गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के होने वाले प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे थे। उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ जमा थी। बीजेपी सीएम नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर 2014 के चुनावी मैदान में उतरी। पूरे देश पर मानो चुनावी रंग रंगा हुआ था। वो भी क्यों ना, दशकों बाद सत्ता पलटने जो वाली थी। और दूसरी वजह थी, उस दिन के बाद धर्मा की लाइफ पूरी तरह बदलने वाली थी। घड़ी की सुई अपनी स्पीड से चल रही थी, टिक टिक टिक, और जैसे ही सुई 9:30 पर पहुंचती है, जोर से धमाका होता है जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया और साथ ही पटना जंक्शन को भी। अब नॉर्मल, सब कुछ अब नॉर्मल में बदल चुका था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। धमाके की ये आवाज प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बाथरूम से आई थी, जहां एक बम विस्फोट हुआ था। इससे पहले कोई कुछ सोच पाता कि दूसरा धमाका भी हो जाता है और फिर तीसरा। हालांकि तीसरे धमाके की ये आवाज रेलवे स्टेशन से नहीं बल्कि गांधी मैदान से आई थी, जहां नरेंद्र मोदी की रैली चल रही थी। पुख्ता इंतजाम और सिक्योरिटी के बाद भी पटना में एक के बाद एक 3 ब्लास्ट होते चले गए, जिसने आम जनता, पुलिस और राजनीति पार्टियों के अलावा धर्मा को भी हिला कर रख दिया। लेकिन धर्मा विलन नहीं बल्कि हीरो था, तो वो इतना सब कुछ होने के बाद किसी कोने में छिपकर
कैसे बैठ सकता था। वह अपनी कोठरी से बाहर आता है और कुछ देर तक वह स्टेशन पर मची अफरा तफरी को देखता रहा। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बाथरूम पर पड़ी, जहां से धुआं निकल रहा था। धमाके की वजह से आसपास की खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। 100 से ज्यादा लोग घायल पड़े थे, जिसमें से कई लोगों की जान जा चुकी थी। धर्मा हिम्मत करके आगे बढ़ता है। बाथरूम का दरवाजा खुला था। जैसे ही उसने पैर अंदर रखा तो वहां एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी। तो वहीं अंदर एक दरवाजा बार बार कभी खुल रहा था तो कभी बंद हो रहा था। जब धर्मा ने ध्यान से देखा तो वहां पर लंबा चौड़ा कद का एक आदमी था, जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ, वह डर और घबराहट से कांप रहा था। धर्मा को देखते ही उसने भागने की कोशिश की और ये सब देखकर उसे शक हुआ कि हो ना हो इस आदमी का भी इन धमाकों में कोई ना कोई हाथ जरूर है। धर्मा ने उस आदमी को तो खैर दबोच लिया और इसके बाद पटना पुलिस ने उसकी तलाशी। उसके पास एक बैग था। जब उस बैग की चेन खुली तो सभी की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। अक्टूबर के महीने में भी सभी का माथा पसीने से तर था। दरअसल उस बैग में एक जिंदा बॉम्ब था। इसके अलावा 2 बम स्टेशन के बाथरूम में भी थे। ये इतने खतरनाक थे कि इन्हें डिफ्यूज करने वाले ऑफिसर का राइट हैंड पूरी तरह से जख्मी हो गया। बाथरूम में मिले इन बॉम्ब्स में टाइमर लगा था। एक पर 11:01, दूसरे पर 11:03 का टाइम फिक्स किया था। अगर ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होते तो बड़ी तबाही हो सकती थी। और वहीं इस विस्फोट के बाद अगर आपके पकड़े नहीं जाते तो उनका प्लान महावीर मंदिर को उड़ाने का भी था, जहां हमेशा हजारों भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में वहां भी लाशों की ढेर लग जाती। इन धमाकों को रोकने और सैकड़ों लोगों की जान बचाने के पीछे बड़ा हाथ धर्मा का भी था, जो भले ही अधेड़ उम्र के हों लेकिन उनका जज्बा किसी नौजवान से कम नहीं। हालांकि धर्मा ये नहीं जानता था कि उसने जिसे पकड़ा है वह कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं, बल्कि एक कुख्यात आतंकवादी है, जिसका नाम था इम्तियाज। वह रांची का रहने वाला है। उसने ISI के इशारों पर कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। उसके घर से भी कई विस्फोटक चीजें बरामद की गई थी, लेकिन इस घटना के बाद धर्मा की लाइफ अब नॉर्मल हो चुकी थी। उसे पाकिस्तान से धमकी मिलने लगी। एक बार उस पर जानलेवा हमला तक किया गया। दरअसल वह पूरे बम ब्लास्ट का एकमात्र गवाह था, इसलिए पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से उसे बार बार फोन आता था। यहाँ तक कि धर्मा को 50,00,000 रुपए देने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन उसने ये ऑफर ठुकरा दिया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से कोर्ट में गवाही दी, जिसके बिहाफ पर 9 आतंकियों को सजा सुनाई गई, जिसमें से 4 को फांसी दी गई है, जिनमें से एक इम्तियाज भी था और बाकियों को जेल हुई। इम्तियाज का केस अब भी कोर्ट में चल रहा है। वहीं लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर धर्मा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश के बाद कुली धर्मा को साल 2016 में 2 बॉडीगार्ड्स मुहैया कराए गए। धर्मा को एक जवान GRP का दिया गया, जो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से है, और एक जवान बिहार पुलिस का दिया गया राज्य सरकार की तरफ से। तब से ये दोनों बॉडीगार्ड कुली के आगे पीछे घूमते हैं। भले ही धर्मा के पास 2 बॉडीगार्ड्स हों दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भी वह परेशान है, जिसकी वजह है घर। दरअसल धर्मा का कहना है कि उसे सुरक्षा कर्मी तो मिल गए हैं और जब वह सामान लेकर चलता है तो ये लोग उसके पीछे भी चलते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम है घर, जो उसके पास नहीं है। धर्मा के पास रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, इस वजह से दोनों बॉडीगार्ड लोग रात में घर चले जाते हैं और एक घर के लिए वह दर दर भटक रहा है। सुरक्षा कर्मी तो हैं, लेकिन रहने का ठिकाना नहीं है। ऐसे में कौन कितना सुरक्षित रह पाएगा। हालांकि दिन में जब वह कुली रेस्ट हाउस में रहता है तो 2 उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं। वहीं GRP के जवान अरुण का कहना है कि कई बार उसे इस बात पर शर्माती है कि मैं एक कुली का बॉडीगार्ड हूं, लेकिन ड्यूटी है तो वह करनी पड़ेगी। वहीं बिहार पुलिस के जवान ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस घटना को करीब 10 साल बीत चुके हैं और ये दोनों गार्ड्स 6 सालों से धर्मा के साथ हैं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, लोगों का सामान ढोने वाले स्कूली के इतने ठाट देखकर हर कोई भी चौंक जाता है। इतना ही नहीं, स्कूली की चर्चा पाकिस्तान तक है। लेकिन दोस्तों, आपको कुली धर्मा की बहादुरी की कहानी कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।